गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न आर न्यू चैप्टर दैट इज मेजरिंग टाइम इन मैथ्स. फर्स्ट वी विल रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न इन प्रीवियस स्टैंडर्ड. हियर इज अ पिक्चर ऑफ अ क्लॉक, ठीक है, एंड यू हैव टू टेल मी हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन वन आवर. यस, we have 60 minutes in 1 hour. So 1 hour is equal to 60 minutes. देखिए यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. हम इसे मिनट्स में कैसे काउंट करते हैं? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 and 60. So usually in 1 hour we have 60 minutes. We have two hands and clock. One is our hand and another one is minutes hand. Okay, घड़ी है उसमें दो हैंड होते हैं. एक जो देख के हम आर का मेजरमेंट करते हैं और जो दूसरा होता है उससे बड़ा वो हम देख के मिनट्स का मेजर करते हैं. सपोज स्टूडेंट्स लुक एट दिस क्लॉक. नाउ टेल मी व्हाट इज़ द टाइम. यस, द आर हैंड इज़ बिटवीन 12 and 1 एंड द मिनट हैंड इज एट द 9. मीन्स हाउ मैनी मिनट्स? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 and 45. दैट मीन्स 45 minutes past 12. अभी एक बजने के लिए कितने मिनट्स बाकी हैं? 15 मिनट्स. दैट मीन्स 12 बज के जा चुके हैं और कितने मिनट्स पास हो चुके हैं? 45. सो वी राइट इट लाइक 45 मिनट्स पास्ट 12. Now tell me what is the time now. Yes, it's 35 minutes past 1. Okay, यहाँ पे एक बज के जा चुके हैं और कितने मिनट पास्ट हो चुके हैं? 35 मिनट्स. सो वी विल राइट इट एज 35 मिनट्स पास्ट 1. इफ यू हैव Now tell me what is the time. Okay, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 and 55. Means 55 minutes past 4. Okay, so we write it as 55 minutes past 55 minute past 4. Okay, अगर ये यहाँ होगा that means it's complete 5 o'clock. If it is here that means 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes,
30 minutes, 35, 40, 45, 50 and 55. Okay, so we have to write like this. If okay, it means 8 and 10. Okay, now tell me what is the time. That means 10 minutes past 8 means 8 baj ke ja chuke hain aur kitne minute past ho chuke hain 10. So we write it as 10 minutes past 8. Now we will move to the another subtopic. The next subtopic is using the terms a quarter past, half past and a quarter to. Let's see, 1 hour is equal to how many minutes? 60 minutes. Half, what is the half of the 60? That is 30 minutes. Quarter of 60 minute is 15 minutes. So 1 hour is equal to 60 minutes. Half an hour is equal to 30 minutes. Quarter means 15 minutes. Let's see this. See the clock. The hour hand is between 1 and 2 and the minute hand is on the 3. It means 15 minute past 1. Okay, hum ise aise bhi likh sakte hain, 15 minute past 1. और हमने 15 मिनट्स के लिए कौन सा टर्म लिया था? क्वार्टर, मींस क्वार्टर पास्ट 1. अगर यही हैंड अगर यहाँ पे हो, दैट मींस इट इज़ बिटवीन 5 एंड 6 एंड 15 मिनट्स ऑलरेडी पास्ट. दैट मींस 15 मिनट पास्ट 5. 15 minutes past 5. अब हमने 15 को क्या टर्म दिया है? Quarter past 5. उसी तरह से quarter past 7, quarter past 9, quarter past 10, quarter past 11, quarter past 12. Okay, इसी तरीके से हम ये टाइम मेजर करते हैं. मीन्स 15 मिनट्स पास्ट 1, 15 मिनट पास्ट 2, 15 मिनट पास्ट 3. सो वी कैन यूज़ द टर्म a quarter past 5, a quarter past 12, a quarter past 1, a quarter past 2. Let's see this time. It is 30 minute past 2. When 2 hours and half an hour have passed, we say it's half past 2. अगर 2 घंटे होने के बाद जब आधा घंटा ऑलरेडी बीत जाए, मीन्स 30 मिनट्स पास हो जाए, तो हम क्या कहते हैं? इट इज़ हाफ पास 2. ओके, और 30 मिनट पास्ट 1 इज़ द सेम एज हाफ पास्ट 1. अब हम इसे ये भी कह सकते हैं कि अगर 30 मिनट पास्ट होके और कितने मतलब हो चुके हैं 2, तो हम ये भी कह सकते हैं ना, अ हाफ पास्ट 2. इट इज़ 30 मिनट्स पास्ट, अगर ये यहाँ पे होगा 3, हम क्या कहेंगे? इट्स 30 मिनट्स पास्ट 3. ओके, वी कैन से
half past 4, half past 5, half past 11, half past 10, half past 9. Means if 30 minutes passed, we say half. देखिए 60 minutes का हाफ कितना टर्म होता है 30 minutes, दैट मीन्स हाफ पास्ट 9. हमने पहले क्या देखा था 30 minutes past 9, हम इसे कैसे लिख सकते हैं हाफ पास्ट 9. और ये अगर इस तरीके से हो तो मीन्स 30 minutes past 7, वी कैन राइट इट एज हाफ पास्ट 7. नाउ लुक एट दिस, इट इज 45 minutes past 12. ओके, मीन्स अभी 1 बजने के लिए कितने मिनट्स बाकी है 15 minutes, और हमने 15 मिनट्स को क्या टर्म दिया हुआ था क्वार्टर, दैट मीन्स क्वार्टर टू 1, मतलब 1 बजने के लिए अभी 15 मिनट्स और बाकी है. दिस कैन ऑल्सो बी रीड एज अ क्वार्टर टू 1. हमने क्या देखा था किस तरीके से लिखना 45 मिनट्स पास्ट 12, हम इसे क्या लिख सकते हैं अ क्वार्टर टू 1, 45 मिनट पास्ट 12, बट वी कैन रीड एज अ क्वार्टर टू 1. मीन्स अगर 15 मिनट्स बाकी है किसी भी आर का टाइम होने के लिए, मीन्स हमने 15 मिनट्स को क्या टर्म दिया था क्वार्टर, मीन्स अ क्वार्टर टू 1. देखिए यहाँ पे अ क्वार्टर टू 1 मतलब 15 मिनट्स और बाकी है 1 बजने के लिए. अगर ये यहाँ पे होगा तो इट्स क्वार्टर टू 2, क्वार्टर टू 3, क्वार्टर टू 4, क्वार्टर टू 5, क्वार्टर टू 6, क्वार्टर टू 7, क्वार्टर टू 8. इसी तरीके से हम ये सारा टाइम मेजरमेंट करते हैं. नाउ स्टूडेंट टेल मी द आर एंड द मिनट हैंड इज ऑन द 3. हम इसके लिए कौन सा टर्म यूज़ करेंगे? एक तो हम ये कह सकते हैं 15 मिनट पास्ट 3, और इसके लिए हमने क्या टर्म यूज़ कर सकते हैं? यस, क्वार्टर पास्ट 3. अगर ये इस तरीके से हो तो हम इसके लिए कौन सा टर्म यूज़ करेंगे? यस, क्वार्टर पास्ट 4. और अगर ये इस तरीके से हो तो हम इसके लिए कौन सा टर्म यूज़ करेंगे? नॉर्मली हम ये कह सकते हैं 30 मिनट पास्ट 1, और हम क्या कह सकते हैं हाफ पास्ट 1. अगर ये इस तरीके से हो तो हाफ पास्ट 2, और अगर ये यहाँ पे हो देन वी कैन से हाफ पास्ट 10. ओके, नाउ टेल मी हम इसे कैसे पढ़ेंगे? हाफ पास्ट 7. उसी तरीके से हम इसे किस टर्म से रीड आउट कर सकते हैं? यस, एक तो हम कह सकते हैं 45 मिनट पास्ट 1, और वी कैन से दैट अ क्वार्टर टू 2. अगर ये इस तरीके से हो तो हम क्या रीड कर सकते हैं? क्वार्टर टू 5, क्वार्टर टू 6, क्वार्टर टू 7. इसी तरीके से हम जो है टाइम को मेजर करते हैं. होप यू अंडरस्टूड हाउ टू मेजर द टाइम्स. थैंक यू.